हाय, वेलकम टू द यूनिक एनिमल ब्रीड इन्फो। इस समय हमें इरफान इमरान खत्री दो भाई है। पिछले वीडियो में इमरान खत्री जो नाम दिया था मैंने और गलती हो गई थी, उस गलती के बाद अब हम एक बार दोबारा आए हैं न्यू अपडेट देने, क्योंकि पिछली बार जो वीडियो बनाए थे उसमें काफ़ी कबूतर बताए थे और वो सभी सेल के लिए अवेलेबल थे और इसमें भी सभी सेल के लिए अवेलेबल है। जो बच्चे हैं उसका हम अपडेट देने के लिए ये वीडियो बना है। ये पार्ट टू है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपको अब इन कबूतरों के बारे में हम सारी डिटेल देंगे कि जो कबूतर पिछली वीडियो में हम कवर करना रह गए थे। जैसे इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या रह गया था पिछली बार जो आपने हमें दोबारा बुलाया कि अपने कुछ नायाब चीज़ें बाकी रह गई थी? आपने जो कहा था मुझे जो नायाब चीज़ें बाकी रह गई थी, इसमें मैं आपको इसके लिए वापस बुलाया कि मेरे पास थोड़ी दो चार नस्लें का जो आपको और बतलाना था वो रह गई थी। ठीक है, नस्लें वगैरह तो हम देखेंगे। आप ये बताइए कि क्या रिस्पांस मिला पिछली वीडियो का? रिस्पांस मिला था ना, मेरे बहुत सारी जोड़े सेल भी हुई है और बहुत सारे दोस्त भी जुड़े हैं। इरफान भाई ने बताया कि पाकिस्तान वगैरह, केरल हुआ, अपना तमिलनाडु हुआ, दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, काफ़ी दूर दूर से कॉल आए। भाइयों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया। अब आपको हम दिखाते हैं काफ़ी नायाब नायाब चीज़ें इरफान खत्री जी की और दिखाते हैं कौन कौन से ब्रीड है उनके पास और क्या क्या सेल हो चुका और क्या क्या बचा है। जैसे एक ये कबूतर जो पिछली बार अपनों ने इसको कवर नहीं किया था, ये कौन सा है? ये छोटी मोज में है। छोटी मोज में क्या ये मादी है छोटी मोज में? अच्छा, इसका ब्रीडर बीडर मेल ये है, मुखी मेल। अच्छा, तो ये तो मतलब जोड़ी एक अलग ही? हाँ, तो ये अपन अलग अलग करके मतलब नस्लें निकलाया करते हैं ऐसा। अच्छा, तो मतलब अपना ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब आप चेक करते होंगे कि इससे इसको मिलाएं तो क्या बनता है जी। तो इसका कोई रिजल्ट है अपने पास? हाँ, कुछ ना, मिला गया रिजल्ट है ना। जैसे मुखी नार और उसका क्या नाम बताया था आपने? मुखी नार है और छोटी मोज में मादा है। इसका अपन ने मतलब जैसा जोड़ा लगाया था पहले, हाँ? इसके बच्चे निकले थे, एक हाँ? मुखी निकला था, हाँ, हाँ? और एक छोटी मोज में निकला था। और छोटी मोज में बड़ी चोटी और पैर के मोज भी बहुत बड़े बड़े मतलब माशाल्लाह निकला था। अच्छा, वाला जोड़ा मेरा सेल हो गया है। सेल हो चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये इनका अभी जोड़ा लगाया है। इसके पहले ब्लैक नर लगा हुआ था, हाँ हाँ। तो ब्लैक से क्या बच्चे अच्छे नहीं निकल रहे थे, इस बार मैंने अलग थोड़ा। जैसे अपने पास सेंटीनेट जो अपनों ने दिखाए थे, अपने पास सेंटीनेट ही कितने नग हैं? सेंटीनेट अपने पास चार पीस बचे हैं। सेंटीनेट चार पीस बचे हैं जी। अच्छा, चार पीस बचे। कौन कौन से कलर थे अपने पास, जैसे बता दो कलर? अपने पास अभी ब्लू बार है और लाल बार। अच्छा, इसको ब्लू बार बोलते जी। हाँ, इसको लाल बार, एक लाल बार आता। ठीक है, बढ़िया। अब अपन कौन सा कबूतर तुम्हारे दिल के जो करीब है, हम वो चीज़ देखना चाहेंगे कि तुम्हारा सबसे मन पसंदीदा कबूतर कौन सा है, उसको पकड़ के लाओ, हम उसको आपके हाथों से देखेंगे और उसकी क्या खूबी है वो बताइए। हाँ भाई, ये है मेरे फाउटर। एक मिनट भाई, मैं ज़रा बच्चे की हरकत देख रहा था क्योंकि ये काफ़ी शौकीन है एक बच्चा। ए कई हाँ भाई, एक ये है पैर। हाँ, गल फुग्गे के मतलब फाउटर की पैर। अच्छा, ये है मेरे मतलब जो सबसे पसंदीदा। हाँ, पसंदीदा फाउटर जी। फाउटर इस पीछे मेरे पास बहुत सो के कमेंट आए कि इसमें आपने रेट नहीं बताया। जैसे फाउटर की अपन जो है, एक कोई से भी कबूतर की कम से कम हम रेट तो बताएं कि क्या क्या पैर इसका रहेगा। ये जो पैर है ऐसे तो लेने जाएंगे तो 4,000, 5,000, 7,000 रुपये में इनके पट्टे मिलते हैं। अच्छा, अपन तो क्या शौक खत्म हो गया इसके लिए बेच रहे हैं, तो इसके अपने मिनिमम प्राइस रखी है 4,500 रुपये, 4,500, क्योंकि ये 7,000 में तो मैं खुद ही लाया हुआ था। मतलब एकदम सेल, लूट लो, 4,500 में एकदम सस्ता और सुंदर आइटम। अच्छा, इसकी लेंथ हम देख रहे हैं जैसे काफ़ी बड़ी है। जैसे एक को लगाओ आपके हाथ पे, कि हाथ से एक ओवरव्यू मिलेगा कि ये हाइट कितनी है, मतलब लंबाई कितनी है। बहुत लंबी हाइट, एकदम फुल लेंथ का कबूतर है। देखो, हाथ, दो हाथ भी लगाए उसके बाद भी काफ़ी जगह बच जाती है। ठीक है भाई, शुक्रिया। अब और अगला आप कौन सा पैर दिखा रहे हो मुझे? हाँ इरफान भाई, ये हम क्या दिखा रहे हैं इस बार? ये इस बार दिखा रहे हैं सेंटीनेट ब्लू बार। सेंटीनेट ब्लू बार, ये जो है सेंटीनेट का ब्लू बार कहला जाता है। और इसकी पहचान ये है, इसका एक मुंह, इसको फोकस कीजिए, जैसे इसका जो चेहरा आता है आप ये देखिए,
एकदम छोटी चोच में रहता है और काफी खूबसूरत कबूतर है, मुझे भी बहुत पसंद है इसका ये कलर देखो। इसके छाती पर फूल रहता है सब बना हुआ, ये ओरिजिनल सेंटिनेट की नस मतलब को पहचान करने की लिए है। हाँ तो इसके बारे में बता रहा था, जैसे कि ये देखो जो कलर पैटर्न जो बनता है सेंटिनेट का, अब मैं बताऊँ कि ये भाग जाएगा, बाकी ये जो जैसे पैटर्न बनता है ओरिजिनल की निशानी ये रहती है, जो मार्किंग रहती है दूसरी जगह कुछ भी नहीं रहती, जो पंख वगैरह पर रहता है पंख और पूंछ में एक सेम कलर होना, ये असली पहचान है। इसके बारे में मुझसे ज़्यादा तो इरफान भाई जानते हैं कि ये कब से मुझसे पुराने उस्ताद फैंसी में, अपन तो उड़ान का शौकीन है तो उड़ान के बारे में बता सकते हैं, ये सिर्फ पसंद है इसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी रखता हूँ। हाँ इरफान भाई, ये कब से है अपने पास और इसकी कितनी अपनों ने नस्ल निकाली है या नहीं निकाली है? इसकी अपने बहुत सारी जोड़े बेच चुका हूँ इस जोड़े। अच्छा, की ये काफी पुराना, कितने एज का होगा ये लगभग? ये मेरे पास कम से कम 4 से 5 साल तो मेरे पास हो चुका है। एक चीज बताओ कि इसकी आंख में मुझे कुछ दिख रहा है, इसको देखो ये एक फुंसी टाइप हो गया था पहले, बहुत पहले। अच्छा, अभी सही हो गई है, अभी तो रिकवर हो रहा है जी, अभी कोई मसला नहीं इसका। तो ये देखो, हाँ इसकी क्वालिटी, ये मादी है, मादी नर के से हल्की सी छोटी रहेगी। जैसे एक ये जैसे सिंगल कलर आ रहा है ना, इसमें एक जाली पैटर्न में आता है, वो भी दिखाएंगे। हाँ ठीक है, अब अगला कबूतर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था जो जाली पैटर्न आता है ये भी एक सेंटिनेट का ही बच्चा है। अब ये देखो इसमें ये जाली पैटर्न, इसमें क्या कलर काफ़ी आते हैं, कलर कॉम्बिनेशन। अब इरफान भाई बताएंगे आपको कि ये एक और उन्हीं का उसी की ब्रीडिंग है, उसी की ब्रीडिंग का है। और ये जो दानिश भाई ने दिखाई ना, इसको कलर पैटर्न, इसको ये तितली कलर कहते हैं। तितली? जी हाँ, ये तितली कलर में है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, ब्लू बार आते हैं, पूरा वाइट आता है, इसके अलावा लाल जैकेट में आते हैं, इसके बाद में ब्लैक जैकेट में आते हैं, येलो जैकेट में, बहुत सारे इसमें कलर पैटर्न आते हैं सेंटिनेट में। पर इनकी नस्ल ऐसी पहचानी जाती है, छोटी चोंच, छाती पर फूल, इसके अलावा कलर पैटर्न, पट्टा कंप्लीट होना। हाँ जी, आप क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहा हूँ वाइट कलर का किंग का पेयर है। वाइट में भी किंग आते हैं? जी हाँ आते ना। अच्छा, वाइट की ज़्यादा डिमांड है और ये मेरे मतलब बहुत मतलब लाड़ प्यार से पाला हुआ जानवर है ये वाला। अच्छा, मेरा पर्सनली मतलब इसकी जैसे नखने वगैरह काफ़ी बड़े रहते हैं ना? नहीं ये पूरा, हाँ बहुत बड़ा रहता है। और ये अभी क्या ब्रीडिंग पर है, ये एक बार के इनके बच्चे बेच चुका हूँ, अभी दूसरी बार मेरे यहाँ अंडे देंगे। अब तो व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हर एक कबूतर सेल पर है आप पसंद कीजिए, इरफान भाई का नंबर हम दे देंगे वीडियो में और आप इनसे एक कॉल कीजिए और जो चीज़ पसंद है उसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इन्हें व्हाट्सअप कीजिए और बुलाइए, और ट्रांसपोर्ट लगभग जहां होगा वहीं पे पहले बात की जाएगी कि यहां यहां आपका ट्रांसपोर्ट होगा और उसी से सौदा किया जाएगा। आपका नंबर दीजिए और वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। इरफान भाई अपना नंबर दीजिए। 94068 5035। ठीक है, आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप भी उसी पर चल रहा है। जी हाँ, व्हाट्सअप भी इसी पे है, उसी पर है। आप कॉल कीजिए, आपको जो पेयर पसंद आता है उसे उठा लीजिए, सेल लगा है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक।